Hi, namaste and welcome to today's session. Well, dear viewers, आज के इस session में अपन बात करने वाले हैं एक और नए topic के ऊपर, एक और नया topic, एक chapter अपन start करने वाले हैं आज के session से. And as you can see on the screen, जिस topic पर अपन बात करेंगे वो है Real Estate Investment Trusts. हाँ जी बच्चों, पिछले कुछ समय में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स मार्केट में एमर्ज हुए दो कॉन्सेप्ट दैट हैव एक्चुअली ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मार्केट, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से जाने जाते हैं. हमारे अगले दोनों चैप्टर यानी कि ये जो चैप्टर अपन आज पढ़ने वाले हैं और इसके आगे की कुछ लेक्चर्स जो आप सुनने वाले हैं और उसके बाद वाला चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर इन दो कॉन्सेप्ट विद रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर आधारित. ऑफ कोर्स हमारी किताब में हमें पूरा टेक्निकल पार्ट दिया गया है जहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए जो 2014 में रेगुलेशंस सेबी ने बनाए थे वो रेगुलेशंस हमें पढ़ना है. उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इशू ऑफ यूनिट्स, देन लिस्टिंग देयर ऑफ, डी लिस्टिंग, ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें पढ़ना है. पर उन सब पर आए, उस टेक्निकल पोर्शन पर आए उससे पहले एक बेसिक मीनिंग क्लियर करते हैं कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या या क्या होता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देख रहे हो ना, आपको जो दिख रहा है वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज दिख रही है. बट व्हाट डू वी मीन बाय रियल एस्टेट, चलो अब जरा एक एक करके इन चीजों को लिख करके समझते हैं. तो दिस इज नॉट अ न्यू टर्म, आप लोगों ने पहले भी रियल एस्टेट के बारे में सुना है एंड ऑल ऑफ यू नो दैट रियल एस्टेट डेफिनेटली रिलेट्स टू सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, राइट. एंड मोस्ट एसेंशियली हम रियल एस्टेट में इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यार, राइट. वी डू नॉट मीन आर टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स और सिमिलर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज. रियल एस्टेट से मतलब होता है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी. और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या जिन्हें हम शॉर्ट में रीट्स के नाम से जानते हैं. नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आगे अब जब मैं बोलूंगी तो मैं रीट्स इस्तेमाल करूंगी. You should understand it by default. REITs का मतलब Real Estate Investment Trust. ठीक है? अब देखो भाई, क्या होता है Real Estate Investment Trusts में? तो Real Estate Investment Trust एक ऐसा concept emerge हुआ इंडिया में almost in the year 2014, United States में ये काफी पहले से था, जहां पर investors इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम के एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. अब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल एक नया शब्द नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जिस भी स्टेज पर इस लेक्चर को सुन रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना, राइट. म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानते हैं, सही है? नहीं, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ सही है, ऐसा टीवी पे एड आता है ना, म्यूचुअल फंड सही है. तो ये जो सही है, ये जो म्यूचुअल फंड है, इसका एक बेसिक लॉजिक हम सब जानते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय म्यूचुअल फंड्स? इट इज लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ. छोटे छोटे अमाउंट में निवेशक अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, एक बड़ा पूल ऑफ फंड तैयार होता है, उसे इन्वेस्ट करती है एएमसी, उस पर मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो एएमसी और इन्वेस्टर्स में बढ़ जाता है. कम अमाउंट की सेविंग में भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड करने का बेनिफिट मेरे को मिल जाता है. बस यही तो लॉजिक रियल एस्टेट में भी होता है, इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का भी. जो बेसिक फंडा है ना वो सेम है. जैसे मानो मैं बॉम्बे के बीकेसी में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ ना, ऑल ऑफ यू नो दैट द बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई या कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली की अगर अपन बात करें, ये ऐसे कमर्शियल स्पेस है जहां प्रॉपर्टी के रेट्स स्टार्ट ही कुछ 5-10 करोड़ रुपए से होते हैं, राइट. इनफैक्ट ये तो सिर्फ एक रफ पेंट अंदाजा मैं आपको बता रही हूँ. डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोर स्पेस, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, जितने वर्ग फीट में वो कमर्शियल स्पेस फैला होगा, कुछ 40-50 करोड़ बहुत छोटा सा अमाउंट होता है वहां और ऐसे दूसरे बिजनेस या कमर्शियल प्रेमाइसेस में स्पेस खरीद. अब यार मेरे जैसा एक साधारण इन्वेस्टर तो ये कोई 10-20-50 करोड़ का निवेश एकदम से तो किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं कर सकता.
इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बीकेसी में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही हूँ, कनॉट पैलेस या किसी भी दूसरे बड़े आईटी पार्क में, या कोई भी ऐसा दूसरा पार्क है जो बनाया गया, पार्क मतलब अम्यूजमेंट पार्क नहीं, प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अम्यूजमेंट पार्क, इट्स द आईटी पार्क और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क या एग्री प्रोसेस डेवलपमेंट पार्क, ये सब जो बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा बिजनेस प्रमोशन। मैं यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही हूँ, बीइंग अ नॉर्मल इन्वेस्टर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इन्वेस्ट 10 करोड़ ऑफ रुपीज टू बाय दिस कमर्शियल स्पेस। फिर मेरे सामने आता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का ऑप्शन, वो ऑप्शन जहां पर मैं बीइंग अ वेरी नॉर्मल इन्वेस्टर, मैं मतलब मैं, ये मैं ठीक है, बीइंग अ वेरी नॉर्मल इन्वेस्टर जो कि हाल फिलहाल में सिर्फ 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो वो 5 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ की संपत्ति या कमर्शियल स्पेस खरीदना फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस इज वेरी डिफिकल्ट। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ये 10 लाख रुपीज इस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को दे, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मेरे जैसे ऐसे कई सारे 100 हजारों इन्वेस्टर्स से ये पैसा लेता है और फिर उस पैसे से उस संपत्ति को बॉम्बे के बीकेसी या न्यू दिल्ली के उस कनॉट प्लेस में खरीद लेता है या लीज पर ले लेता है, वॉट एवर द अरेंजमेंट बी, या तो परचेज कर लेता है या लीज पे ले लेता है। इंस्टेड ऑफ मी परचेजिंग द एंटायर स्पेस और दैट कमर्शियल प्रॉपर्टी इन बीकेसी और इन कनॉट पैलेस, व्हाट आई डिड इज दैट क्योंकि मैं वो 10 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, बीइंग अ नॉर्मल इन्वेस्टर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, बट आई वॉन्टेड टू हैव अ शेयर इन दैट कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि रेंट जनरेट हो और मेरे लिए एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम बना रहे। मैं रीट्स का रास्ता देखती हूँ, मैं रीट्स में अपना पैसा लगाती हूँ जहां पर मेरे जैसे ऐसे काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो मिल करके ऐसे काफी सारे अमाउंट, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई 50 लाख, जितना कर सकता है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करता है। से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नाम का एक बड़ा सा पूल ऑफ फंड तैयार हो जाता है और इस पूल ऑफ फंड, इस पैसे से जो इकट्ठा करा गया है, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट उस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को परचेज करता है और फिर उस कमर्शियल स्पेस को किराए पर दे देता है। अब कनॉट पैलेस इतना बड़ा सा है, वहां पर ढेर सारे ऑफिसेस हैं, ढेर सारे कमर्शियल ऑफिसेज हैं, या बीकेसी की बात करें तो वहां बहुत सारे कमर्शियल स्पेस है। अब एक कंपनी है, दो कंपनी है, तीन कंपनी, चार ऑर्गेनाइजेशन, सबने वहां पर अपने अपनी जरूरत के हिसाब से ऑफिस स्पेस ले रखा है, रेंट भर रहे हैं, वो रेंट प्रॉपर्टी ओनर के पास जा रहा है। प्रॉपर्टी ओनर कौन है, मैं अकेली तो थी ही नहीं, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रीट में पैसा लगाया था, और ये रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो प्रॉपर्टी ओनर है जो जनरेटेड रेंट इनकम उस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से जो रेंट इनकम जनरेट हुआ है बच्चों, उस रेंट इनकम का कुछ पोर्शन खुद रखता है और कुछ पोर्शन इन्वेस्टर्स में यानी यूनिट होल्डर्स में बांट देता है। तो इट्स लाइक आई गॉट द बेनिफिट ऑफ बीइंग वन ऑफ द यूनिट होल्डर्स ऑफ रीट्स, जिसके पास बीकेसी की एक बहुत महंगी सी कमर्शियल स्पेस में एक शेयर है। माना पूरी प्रॉपर्टी मैंने नहीं खरीदी वो 10 करोड़ की या 15 करोड़ की, बट बाय इन्वेस्टिंग इन रीट्स आई गॉट अ वेरी सिंप्लीफाइड एंड येट प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑप्शन, एन ऑप्शन थ्रू विच आई कैन इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ बिग प्रॉपर्टीज लाइक बीकेसी ऑफ मुंबई और द कनॉट पैलेस ऑफ न्यू दिल्ली। आई गॉट दिस ऑप्शन। तो समझ गए ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का बेसिक लॉजिक क्या है बच्चों, ये एक ऐसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें जस्ट लाइक यू हैव अ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड बहुत सारी अलग अलग जगह पर आपका पैसा लगाता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का नाम ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो भाई जब नाम ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाएगा, दैट टू ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पूरी तरह से कंप्लीट हैं और जिनमें की रेंट या इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है, यानी कि कोई कमर्शियल स्पेस है, कोई प्रिमाइसेस है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बड़ा सा होटल है, उसे खरीद लेंगे जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, जो एक अकेला नहीं खरीद, बस ये कि हिस्सेदारी सबकी हो जाएगी।
तो इसमें अब होगा ये कि ये सारे आपके इन्वेस्टर्स हैं, ये ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे इन्वेस्टर्स। ऑल दीज इन्वेस्टर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट एंड गिविंग टू दिस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट्स रीट दैट इन टर्न विद द हेल्प ऑफ दैट पूल ऑफ फंड्स दैट इज क्रिएटेड परचेजेस द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इन टर्न जनरेट्स द इनकम। कैसे इनकम जनरेट करेगी भाई? भाई यदि मैंने 50,000 वर्ग फीट का एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस बीकेसी में खरीद लिया और उसे 5 लोगों को किराए पे दे दिया, 10-10 हजार स्क्वायर फीट में, तो ये 5 लोग उस पर किराया देंगे ना मुझे। अब किराया जिस संपत्ति की कीमत ही 20 करोड़ रुपया है, उस पर किराया भी अच्छा खासा मिलेगा मुझे। भाई किराएदार जो है उसे बीकेसी में ऑफिस स्पेस मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा किराया देने के लिए वो तैयार होगा। और वो जो किराया मुझे मिला है, उस किराए को मुझे मिला है मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मिला है, इस ट्रस्टी को मिला है। तो ये जो किराया रेंट के फॉर्म में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को मिला है, इट इज देन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑफ कोर्स अपनी खुद की फीस तो वो अपने पास रखेगा ही सही, एक पोर्शन अपने पास रखेगा ही सही, बट अ पोर्शन अ पार्ट ऑफ दैट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स। सो दिस इज हाउ आई गेट द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट आई मेड, बट नॉट इंडिविजुअली, नॉट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अदर इन्वेस्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रस्ट। तो मेरे पास भी भैया शेयर है, एक यूनिट, एक पार्ट, एक हिस्सा है बीकेसी के उस 50,000 वर्ग फीट के ऑफिस स्पेस में जो कि रीत ने खरीदा है। तो आई एम नॉट द इंडिविजुअल ओनर ऑफ कोर्स, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनकम मिले, वो मुझे मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है रीच में इन्वेस्टमेंट करने पर भी। और ज्यादा बड़ी चीज, मुझे प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल रहा है मेरे फंड का। भाई बीइंग अ नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मेरे आपके हम सबके सोच के दायरे सीमित होते हैं ना, बट रीट्स में पता है एक प्रोफेशनल मैनेजर होता है, जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है एएमसी का। तो ये प्रोफेशनल मैनेजर अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, फोरसाइटेडनेस के आधार पर ऐसी कमर्शियल स्पेसेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां से रेंट इनकम श्योर होती है, इनकम जनरेट होती है और उसका फायदा मुझे मिलता है। मतलब दिमाग कोई और चला रहा है और इनकम मेरी हो रही है। बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन नाउ अडेज। इनफैक्ट यदि 2016 के बाद से अगर हम बात करें बच्चों, तो इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। क्योंकि यार वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल इंडिया, और रादर इफ आई कुड से रैशनल इंडियंस। रैशनल इंडियंस क्या होते हैं जानते हो ना? रैशनल इंडियंस मतलब हर चीज को थोक बजा कर खरीदने वाले। अब थोक बजा कर मतलब सही में तो ठोकते बजाते नहीं है हम, बट जब तक हम 100% सेटिस्फाइड नहीं है दैट इवन इफ वी आर स्पेंडिंग 10 रुपी, यदि उस चीज की 10 रुपया वर्थ है तो ही हम 10 रुपया खर्चते हैं उस पर। यार 100 रुपया का सब्जी अगर लेकर के आए हैं सब्जी वाले से, तो मम्मी ने सिखाया है कि ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि 5 रुपए का धनिया और मिर्ची तो भैया से फ्री में लेकर आना ही है। रेशनैलिटी, राइट? वी आर वेरी वेरी रैशनल इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिंग आर मनी। और ट्रेडिशनल इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाती थी ना, इवन दो वी आर रनिंग हैव बीन स्टेप्ड इनटू द 21st सेंचुरी टुडे, भले आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बट फिर भी ऐसे ट्रेडिशनल इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स के दो सबसे ज्यादा फेवरेट ऑप्शंस होते थे गोल्ड एंड रियल एस्टेट। आज भी वैसा, इवन टुडे आज भी ये दो सबसे ज्यादा फेवरेट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। यदि हमारे पास पैसा है और यदि हम उसे निवेश करना चाहते हैं, तो हमें ये दो सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करने का एडवाइस 10 में से 8 लोगों से मिलता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड हो चाहे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हो, इनके रेट्स बढ़ते हैं, राइट? अब हो ये गया है कि भाई सीधा सीधा पूरा का पूरा एक साथ इकट्ठा लमसम पैसा आप लगाओ, उसके बजाय हम बाजार में आपके लिए इतना शानदार ऑप्शन लेकर के आ गए हैं कि कम पैसे में भी आपको एक संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाएगी और जो आपको उस पर इनकम मिलना है वो मिलती रहेगी। मतलब इवन इफ यू कैन नॉट एक्सपेंड दैट 10 करोड़ रुपीज, यू कैन हैव अ शेयर इन द प्रॉपर्टी वर्थ 10 करोड़ रुपीज, मालिकाना हक में हिस्सेदारी, हैव दैट शेयर।
एंड दैट्स द बेनिफिट. और यंग जनरेशन की अगर हम बात करें, यंग जनरेशन यानी द जनरेशन दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 25 टू 35 वाला एज क्राइटेरिया, इस जनरेशन में या इस पर्टिकुलर एज में सेविंग्स की इंपॉर्टेंस पिछले कुछ समय में बढ़ गई. और ट्रेडिशनल सोर्सेज में अगर बोलने जाए तो फिर बात वही आती है ना, ये एक साथ 10 करोड़ रुपया 35 साल की उम्र का व्यक्ति कहां से लेकर के आएगा, अभी इतना कहां कमा लिया उसने. कमाया है डेफिनेटली, बट खर्चा भी तो खरा है, खर्चा करने की भी तो यही उम्र है कि नहीं है. अच्छे अच्छे कपड़े जूते चप्पल एंड वॉट नॉट, तो सेविंग्स भी हुई है बट खर्चा भी हुआ है. और ये जो सेविंग्स हुई है क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं है कि एकदम एक साथ इतना सारा पैसा हम रियल एस्टेट में लगा दे, तो यस वी हैव प्रेजेंटेड दिस ऑप्शन फॉर यू कॉल्ड एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. भले आपके पास अमाउंट कम है, भले आप इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं, लेकिन यह म्यूचुअल फंड जैसा वो 500 रुपया बतला इतना कम इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता. जैसे अभी अपन रेगुलेशंस में आगे बढ़ेंगे तो आई टेल यू दैट देयर हैज टू बी सम मॉनेटरी लिमिट्स. है कुछ लिमिट्स जो बनाई गई है मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर उतना इन्वेस्टमेंट आप करिए एंड गेट अ शेयर इन दैट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी दैट विल बी मैनेज्ड ऑन योर बिहाफ बाय द एक्सपर्ट्स. प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऑफ योर मनी, व्हाट मोर डू यू वांट. समझ गए था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का लॉजिक, क्लियर हो गया आप सबको. अब देखो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दी हूँ, इस एक्सप्लेनेशन में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलमोस्ट द सेम कंसेप्ट कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है. व्हाई डू वी कॉल इट एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, वी टेक इट फ्रॉम सो मेनी इन्वेस्टर्स, नॉट जस्ट वन और टू और थ्री और फोर, वी टेक इट फ्रॉम सो मेनी इन्वेस्टर्स डियर स्टूडेंट. एंड ये जो पोर्टफोलियो होता है, ये जो पूरा पैसा इकट्ठा हुआ है जो कि इतने सारे इन्वेस्टर्स से लिया गया है, दिस एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ इनकम जनरेटिंग कंप्लीटेड रियल एस्टेट एसेट्स जनरेट इनकम फॉर अस. मतलब हम क्या करते हैं, हम ये पैसा इकट्ठा करते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर और इस पैसे को फिर इन्वेस्ट करा जाता है इनकम जनरेटिंग एसेट्स में. एग्जाम्पल दिए हैं आपको यहाँ, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की बात कर लें या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें, ऑफिस स्पेस हो, होटेल्स हो, सर्विस अपार्टमेंट्स, ये सब परचेज करता है रीट आपके बिहार, और उससे जनरेट होने वाली जो इनकम है इनटू यू, यू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट इनकम. ठीक है, हमेशा एक ट्रस्ट के फॉर्म में ये बनाया जाता है जहां पर एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन करा जाता है, जो कि स्वयं अपने आप में एक डिबेंचर ट्रस्टी की तरह होता है, वो यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पर इस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज कर. अभी हम पार्टीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है. ये देखो सेकेंड पैरा, आई एम गिविंग यू थ्री टायर स्ट्रक्चर, तीन मोस्ट एसेंशियल पार्टी इन्वेस्टर्स के अलावा ऑफकोर्स. ठीक है, ये एक स्पॉन्सर जो पूरा लॉन्च करता है, लॉन्चिंग ऑफ स्कीम करता है, सारा इनिशियल खर्चा उठाता है, जैसे म्यूचुअल फंड पढ़ते समय भी पढ़ते स्पॉन्सर्स होते हैं. जी सेने अवार्ड ब्रॉट टू यू बाय ग्लो एंड लवली, नाम बदल गया ना अभी, है ना. तो या ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा पान मसाला, पढ़ते ना, सुनते ना उनके बारे में, ऐसे स्पॉन्सर्स के बारे में, राइट. या इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया द लेटेस्ट टेस्ट सीरीज ब्रॉट टू यू बाय टेन स्पोर्ट्स, वो इन्वेस्ट द एंटायर इनिशियल मनी दैट इज नीडेड, वो सारा का सारा पैसा, वो इनिशियल अमाउंट, वो मनी, वो फंड्स जो रिक्वायर्ड है किसी भी स्कीम को लॉन्च करने के लिए, वो सारा खर्चा स्पॉन्सर कर. जिस खर्चे को करने पर, यानी कि वो ऑफर डॉक्यूमेंट्स छपवाने हो या ब्रोशर्स या पैम्पलेट्स छपवाने हो या अलग अलग रोड शोज या दूसरे ऐसे शोज करने हो जिससे इन्वेस्टर्स को पता चले आपके ट्रस्ट के बारे में, तो सारा खर्चा स्पॉन्सर करता है. फिर जो ट्रस्टी होता है आपकी दूसरी पार्टी, वो ट्रस्टी वो रहता है जो यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पर काम करता है, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैनेजर है उसके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं दे शुड बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स, इनकी पूरी ध्यान ये ट्रस्टी रख. यू हैव द ट्रस्टी, यू हैव द मैनेजर एंड यू हैव द स्पॉन्सर, सी एम एस एस एम टी,
MST जैसा ठीक लगे शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। ठीक, इन सब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं। ईच ऑफ दीज पार्टीज आर रेगुलेटेड अंडर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014 ऑफ सेबी। समझ रहे हैं इतना? क्लियर हो रहा है आपको? चलो अब देखो, ये आपके सामने मैंने क्या रखा है, एक एक टिपिकल रीट स्ट्रक्चर, बहुत सिंप्लीफाइड रीट स्ट्रक्चर है, जहां पर मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू ये समझाना चाहा है कि कैसे एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनता है, कौन कौन सी पार्टीज होती है और किस पार्टी का क्या रोल। सबसे पहले आप जो ये सेंटर में देख रहे हो, ये रेड कलर के बॉक्स में, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी भाई? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या वो असेट जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है ना। हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, एक एक से ज्यादा भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज चाहिए। अब ये प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल अभी अभी आपने पढ़े थे, ये शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, दूसरे ऑफिस स्पेस हो सकते हैं, होटेल्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। ये सब चीजें यहां पर आती है आपकी रियल एस्टेट असेट्स। ठीक है, फिर इधर होते हैं आपके यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? यूनिट होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि पैसा लगा रहे हैं। अपने इस एग्जाम्पल में जो पढ़ाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया था, ये होते हैं यूनिट होल्डर्स। मैं थी ना, ठीक है, तो ये होते हैं यूनिट होल्डर्स। ऐसे होते हैं यूनिट होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं। ठीक, जो पूरी वो 10 करोड़ की संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। या एग्जाम्पल दी हूं मैं आपको, एज यू कैन सी ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जो यूनिट होल्डर्स होते हैं, यूनिट होल्डर्स में कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर। कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर एक नया वर्ड होगा आपके लिए। कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर्स का बेसिकली मतलब होता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी आ सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर्स। बाकी फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गए हैं? ये हो गए हैं आपके यूनिट होल्डर्स। ठीक है, अब इसी में अपन आगे बढ़े। यूनिट होल्डर अपने को क्लियर हो गया, देख रहे हैं ना आप सब लोग, यूनिट होल्डर क्लियर हो गया अपने को, इसके टाइप्स क्लियर हो। रीट है, अब तीन पार्टीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन थी? स्पॉन्सर था, ट्रस्टी थे और मैनेजर था। ठीक है, ये देखो, ये सबसे पहले यहां पर ये है आपका ट्रस्टी जो कि यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पर काम करता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिट होल्डर्स, जिसके बदले वो एक फी लेता है। दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, ये ट्रस्टी होता है और इधर की तरफ आप देख रहे हैं ये वो मैनेजर है या वो प्रॉपर्टी मैनेजर है जो कि अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये वो रहता है जो डिसाइड करता है कि कौन सी कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ रेंट जनरेटिंग ऑप्शंस ज्यादा है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी चुनी जाए, वो सारे डिसीजन ये मैनेजर। ऑफ कोर्स उसके बदले ये अपनी एक मैनेजमेंट फी लेता है। ठीक है, हाँ, ये जो रीट मैनेजर है ना, आप नीचे देख रहे हो ना, ये जो एक एरो जा रहा है ये वाला, ये जो रीट मैनेजर है, ये रीट मैनेजर अपने लिए एक 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 दूसरा या एक असिस्टेंट प्रॉपर्टी मैनेजर भी अपॉइंट कर सकते। प्रॉपर्टी मैनेजर असेंशली कह सकते हो ब्रोकर की तरह हो सकता है, एक ब्रोकर की तरह जो उसे एडवाइस करेगा कि भाई कहां से पैसा लिया जा सकता है, कहां से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है। ठीक है, तो ये वो प्रॉपर्टी मैनेजर का ही एक पार्ट हो, या तो खुद पूरा का पूरा रीट मैनेजर जो है वो एक कंपनी का हिस्सा है और स्पेशली आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर वो किसी ब्रोकर की हेल्प ले सकता है जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ये भी उसके लिए सर्विस फी चार्ज। ठीक है, सो आपकी तीन पार्टीज आपको क्लियर हो गई इस पूरे डायग्राम में। जल्दी से नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आपके यूनिट होल्डर। ठीक है, फिर ये आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हो गई, ये बीच में सेंटर में आपका रीट है, ट्रस्टी हो गया, और ये हो गया आपका मैनेजर अलोंग विद द प्रॉपर्टी मैनेजर। ठीक है, ये सब मिल करके, अच्छा यहाँ स्पॉन्सर क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है, बट स्पॉन्सर
इस सब के रोल में सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि स्पॉन्सर इस पूरी की पूरी स्कीम को इन्वेस्टर्स तक, यूनिट होल्डर्स तक पहुंचाने का काम करता है, वो बताता है ये स्कीम। अब जो यहाँ पर एक आप ये लेंडर्स देख, लेंडर्स में ये देखो यहाँ पर मैंने नाम दिया हुआ है, मेनी अ टाइम्स इन एडिशन टू द मनी दैट इज गिवन बाय द यूनिट होल्डर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कुछ लेंडर्स से बॉन्ड्स के नाम पर या लोन के नाम पर एडिशनल पैसा भी ले ले। जितना पैसा इन्वेस्टर्स दे रहे उतना तो आ ही रहा है, ठीक ही है, बट मनी सपोज में इन्वेस्टर्स से जो जो ट्रस्ट के नाम पर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम पर पूरा पूल तैयार हुआ, वो मानो सिर्फ 15 करोड़ का हुआ। अब जिस संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वो 16 करोड़ की हो, तो 1 करोड़ रुपीज का किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले। ऑफ कोर्स उसके बदले आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, चार्ज तो लगेगा, इसे वो पे करना पड़ेगा, तो फिर इन दैट केस इनकम के ना 3 टुकड़े हो जाए। एक तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास ही रहेगा, जिसमें से जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास रहता है ना बच्चों इनकम, उसी में से निकल करके आता है ये ट्रस्टी का फी, ये मैनेजर का फी, उसी में से निकल के आता है। तो एक हिस्सा तो वो हो गया, दूसरा हिस्सा यूनिट होल्डर्स को दिया जाता है। यहाँ तीसरा हिस्सा कौन सा होगा, ये जो लेंडर्स से जो अपन ने पैसा लिया है उसे उनकी जो भी इंटरेस्ट या कूपन है, चार्ज है, वो भी तो पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना ये पूरा रीट स्ट्रक्चर बन, समझ गए आप अच्छे से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कमर्शियल प्रॉपर्टीज मेन रहती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बहुत रेयरली टारगेट होती है, और अगर होती भी है तो फिर वो वैसी जहां पर हम कोई बहुत बड़ा रेजिडेंशियल टाउनशिप प्लानिंग कर, जैसे मानिए कोई बहुत बड़े कुछ 25-50 करोड़ का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट निकल करके आ रहा है, और उस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्रिएट हो सकता है। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कमर्शियल नेचर की प्रॉपर्टीज, क्योंकि रेंट उन्हीं से निकलता है ना, मैक्सिमम टाइम रेंट उन्हीं से निकल करके आता है। ये एक ऐसा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन जाता है जहां पर इन्वेस्टर्स अपने स्मॉल अमाउंट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, और स्मॉल अमाउंट से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो मैनेजर रहता है उन्हें इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट असेट्स में, जनरेट दर इनकम विच इन टर्न इज बींग डिवाइडेड अमंग द यूनिट होल्डर्स एंड द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके ट्रस्टी मैनेजर्स इन सबको फी उसमें से निकल आती है। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, समझ गए क्या अच्छे से लॉजिक। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, यहाँ देखो यहाँ पर ये जो आप पैरा देख रहे हैं इसमें वंस अगेन आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, कैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल फॉर मेकिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स इन कमर्शियल रियल एस्टेट। अब भी अभी बोली कमर्शियल रियल एस्टेट को ही हम टारगेट करते हैं मोस्ट, क्योंकि इनकम वहीं से जनरेट हो, मैक्सिमम टाइम पर इनकम वहीं से जनरेट कमर्शियल स्पेस। तो ये एक ऐसा ऑप्शन निकलता है जहां पर हम कमर्शियल रियल एस्टेट को टारगेट करते हैं। इट इमैनेटेड इन द यूएस इन 1960s, वहीं से निकल गया था ये एक टैक्स ट्रांसपेरेंट सिस्टम या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर, इंडिया में काफी लेट आया है, बट भले ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ है इट हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर फेवरिज्म, काफी यंग इन्वेस्टर्स भी आज की डेट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगाते, यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं भैया, मैंडेटरी होती है लिस्टिंग, तो यहाँ पर मैंडेटरी लिस्टिंग होती है, यूनिट स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं तो आप वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए इतने बड़े और महंगे कमर्शियल स्पेस में एक हिस्सा बुक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू डू नॉट बिकम द ओनर बट अल्टीमेटली यू गेट द बेनिफिट ऑफ द रेंट, इनकम मिलता रहता है। एक पॉइंट और जो आपको यहां पर याद रखना है कि हम हमेशा कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट्स को ही टारगेट करते हैं, दे इन्वेस्ट प्रीडोमिनेंटली कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट असेट्स, कंप्लीटेड यानी अंडर कंस्ट्रक्शन जो ना हो, पूरी हो चुकी हो, वो इंपॉर्टेंट है ना यार, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो फिर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो इट शुड बी अ कंप्लीटेड कंप्लीटेड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंटली, और दूसरी चीज कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, डायरेक्टली करें या किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल या होल्डिंग कंपनी की सहायता से।
मतलब रीच में भी एक होल्डिंग कंपनी हो सकती है, होल्डिंग कंपनी आप जानते हो, या एक स्पेशल पर्पस व्हीकल हो सकता है जो एक कंपनी एलएलपी होती है जिसकी सहायता से फिर ये ट्रस्ट क्रिएट करा जाता है। अभी बताऊंगी मैं एसपीवी की डेफिनेशन, ठीक है। इनिशियली हमने प्लान करा था सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को देंगे, जिन्हें हम कॉर्नर स्टोर इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो अभी ऊपर बताई थी कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर, बट अब ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अवेलेबल है। इतना समझ में आ गया है, क्लियर है इतना आप ही लोगों को, ठीक है। चलो अब अपन चीज को आगे अब देखते हैं कि सेबी ने जो रेगुलेशंस बनाए हैं, दैट इज जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात करा था, द सेबीज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशंस 2014, इसमें क्या क्या पॉइंट है, क्योंकि अब ये तो समझने वाली पूरी बात हो गई। अब जो टेक्निकल पोर्शन है जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिस्टिंग वाले कुछ पॉइंट्स दिए गए, अब एक एक करके अपन उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दी गई है डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होने वाली है यहाँ पर, और उन टर्म्स की डेफिनेशन दी है मैंने आपको। डेफिनेशन नॉलेज पर्पज से है, सीधी सीधी डेफिनेशन हम परीक्षा में यू भी कभी नहीं पूछते, बट यस तो टर्म्स इन रेगुलेशंस में यूज होती है उनको यहाँ पर डिफाइन करा गया है ताकि आप उन्हें अच्छे से, ठीक है। कंप्लीटेड प्रॉपर्टी पहली परिभाषा, अभी पढ़ा था ना ऊपर ही कि हम कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंप्लीटेड प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? वेल कंप्लीटेड का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो पोजेशन के लिए रेडी है। देखो यहाँ भी ये दिया, अ प्रॉपर्टी फॉर विच ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हैज बीन रिसीव फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी होती है, रजिस्ट्रार कार्यालय होता है जहां से हमें ये अनुमति मिलती है कि भाई ये संपत्ति बन के तैयार है, और जो भी इसका कंस्ट्रक्शन करा गया है, जिस जगह पर करा गया है, वो सब कुछ प्रॉपर है, रेरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत है वो पूरा, वो सारी चीजें, सारा ग्रीन चिट्ठी, ग्रीन चिट या ग्रीन सिग्नल जो भी बोल रहे हैं, हरी झंडी मिल चुकी, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा परमिशन दी जा चुकी है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जा चुका, अब इसे बेचा जा सकता है, एवरीथिंग इज कंप्लीट ओवर हियर, जो भी मापदंड, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के संबंध में, या पावर सप्लाई के संबंध में, या ड्रेनेज लाइंस के संबंध में, या पार्किंग स्पेस के संबंध में, बहुत सारी चीजें होती है यार कमर्शियल स्पेस के कंस्ट्रक्शन, लॉट ऑफ थिंग्स एंड कंप्लायंसेस, तो वो सब हो चुका है। ये अश्योरेंस देते हुए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है रेलिवेंट अथॉरिटी से, तो उस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं कंप्लीट, समझे इतना। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का भी मीनिंग मैंने आपको यहां पर दिया है, अगर आप देख रहे हैं तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये देखिए यहां पर क्या होता है भाई, तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोल ले या कुछ भी नाम दे दे, जिसे कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जारी करती है परमिटिंग ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग, प्रॉपर्टी कंप्लीट है, तैयार है, जो भी पैरामीटर्स उस प्रॉपर्टी के संबंध में भले ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हों, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ये चीज यार, मेनी टाइम्स वी हियर ना कि भाई तो बड़ा सा प्रिमाइसेस है, कमर्शियल प्रिमाइसेस है, वहां पर कुछ फ्लोर्स गिर गए या अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था और कोई बड़ा हादसा हो गया, और हादसा मतलब एक्सीडेंट, वैसे वाले एक्सीडेंट नहीं है कि कोई मशीन फट गई हो या ऐसा कुछ हो गया, प्रिमाइसेस गिर गया बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, फिर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अपने को चाहिए, कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल स्पेस हो, प्रॉपर वाटर सप्लाई चाहिए अपने को वहां पर, वाटर सप्लाई के अलावा वहां पर प्रॉपर पार्किंग होनी चाहिए भाई, क्योंकि गाड़ी घोड़े सबके पास होते हैं तो प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, लंबा चौड़ा बहुत करीबन 50-25 फ्लोर का बनाया है प्रिमाइसिस, तो फिर वहां पर जो भी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उनसे बचने के लिए भी काफी सारी चीजें अपनाई जाती हैं, अर्थक्वेक को प्रिवेंट करने के लिए थंडर लाइटनिंग, बिजली चमक रही है, लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि वो बिजली को अब्सॉर्ब कर ले और वो उस लाइटनिंग कंडक्टर की सहायता से सीधे अर्थ में चली जाए। अर्थिंग का कंसेप्ट पढ़ा है आपने 9वीं 10वीं के फिजिक्स में, अर्थिंग, अर्थिंग लाइन्स डलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स डलती है, AC DC ऑल्टरनेट करेंट, डायरेक्ट करेंट, बहुत सारी चीजें होती है जब एक बड़ा कमर्शियल प्रमाइस बनता है बच्चों, तो शॉपिंग मॉल जैसा अगर वो बन रहा है वहां तो और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि शॉपिंग मॉल होगा तो डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स होंगे वहां पर, गेम जोन्स होंगे वहां पर, हर एक के लिए एक अलग क्राइटेरिया होगा मल्टीप्लेक्स के संबंध में, गेम जोन, शॉपिंग जो सेंटर बनाया गया उसके अंदर,
सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, खुले मॉल थोड़ी होते हैं जिनकी छतें खुली होती है, सेंट्रली एयर कंडीशनड होते हैं, तो वो सेंट्रली एयर कंडीशनड है जिसके लिए इतने बड़े बड़े सारे पावर के एयर कंडीशनर्स लगाए जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, विच इज डेफिनेटली वेरी बैड फॉर द एनवायरमेंट। लॉट ऑफ होल लिस्ट ऑफ कंप्लायंसेस होती है, उसके लिए तो पूरा एक सब्जेक्ट अलग हो सकता है। वो सब चीजें हो चुकी है, उसका सर्टिफिकेट होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और जो रेलेवेंट अथॉरिटी अगर देती है तब वो प्रॉपर्टी कंप्लीटेड अथॉरिटी मानी जाए। ठीक है, फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एक और दूसरी परिभाषा आपके सामने आ रही है। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स का या FSI जिसे अपन बोलते हैं, बेसिकली बिल्डेबल एरिया होता है किसी भी प्लॉट ऑफ लैंड पर। प्लॉट ऑफ लैंड पर बिल्डेबल एरिया, यार अब ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मानो, ये मेरा 10,000 स्क्वायर फिट का प्लॉट है, 10 स्क्वायर फिट भी नहीं है बट यहाँ 10,000 स्क्वायर फिट का ये मेरा मान लो एक प्लॉट है। अब यहां पर अगर इस 10,000 स्क्वायर फिट के प्लॉट पर मैं कुछ 5 मंजिला इमारत बनाना चाह रही हूँ कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये पूरी ये बॉर्डर बॉर्डर से ये यहाँ यहाँ से ही कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, पूरा यहाँ यहाँ से ही मैं अपनी इमारत खड़ी कर लूंगी, ऐसे थोड़ी होगा। पार्किंग स्पेस छोड़ी जाती है चारों तरफ, पार्किंग स्पेस, क्योंकि भाई इसके बाद इधर जो है ये तो आपकी संपत्ति नहीं है ना, ये तो सरकारी संपत्ति हो सकती है, किसी दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, तो यहाँ थोड़ी ना पार्किंग स्पेस बनाया जाएगा। वो आप यहाँ पर पार्क कर देते हैं, पेवमेंट्स बना दिए जाते हैं, तो वो तो सरकार आपको वो सहूलियत प्रोवाइड करे। अदरवाइज जो आपका बिल्डेबल एरिया है वो बिल्डेबल एरिया पूरा का पूरा प्लॉट ऑफ लैंड नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आज की डेट में अपन देखते हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग्स बना दी जाती, ताकि ये वाला जो स्पेस है आपका, ये वाला स्पेस भी इस्तेमाल करा जा सके। काफी कमर्शियल प्रिमाइसेस में अपन देखते हैं यहाँ पर अलग अलग एलिवेशन कर देते हैं, बोर्ड्स लगाना है, होर्डिंग्स लगाना है, एडवर्टाइजमेंट्स के पर्पसेस से कुछ भी अगर करना है, या सिर्फ जनरल सिटिंग स्पेस कि भाई लोग आए, यंगस्टर्स बैठे, कुछ छोटे मोटे ठेले यहाँ पर लग जाएंगे, या स्ट्रीट मार्केट जैसे डेवलप कर देते हैं मॉल्स के बाहर। कितना बार देखा होगा ना आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के बाहर, जो अंदर स्पेस नहीं खरीद पा रहे वो बाहर वहां पर अपना छोटा सा स्पेस ले लेते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर हो जाती है। तो फिर पार्किंग के लिए अब हम अंडरग्राउंड पार्किंग में जाने लग गए हैं आजकल। कोई भी रेसिडेंशियल हो जाए कमर्शियल प्रिमाइस आज की डेट में कंस्ट्रक्ट होता है, लेवल 1 लेवल 2 की पार्किंग पे चल जाते हैं, कई जगह तो लेवल 3 तक पार्किंग है, अंडरग्राउंड लेवल पार्किंग ना। तो पार्किंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पूरे प्लॉट ऑफ लैंड पर जितनी जगह में कंस्ट्रक्शन बस हो सकता है ना, वो कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डेबल एरिया में माना जा रहा है, दैट्स व्हाट वी कॉल फ्लोर स्पेस, ओनली द बिल्डेबल एरिया ऑन दैट प्लॉट ऑफ लैंड, जो छोड़ना है वो नहीं, जितने भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है उसको बिल्डेबल एरिया बोलेंगे, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक, तीसरी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, म्यूचुअल फंड के जैसा है, तो नेट एसेट वैल्यू तो आएगा ही, और कैलकुलेशन भी वही होता है जैसा आप म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें से सारी लाइबिलिटीज को लेस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, यहाँ भी वही करते हैं। एनएवी ऑफ रीट का मतलब होता है द असेट्स दैट आर रिड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल डेब्ट्स या लाइबिलिटीज, असेट्स का वैल्यू लेस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एनएवी होता है, और इसी के बेसिस पे परचेस सेल होता है, इसी के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं रीट्स में। ठीक, समझ पा रहे हैं ना इतना। चलो चौथी डेफिनेशन कौन सी दी हूं मैं आपको, तो चौथी डेफिनेशन में रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की परिभाषा आ रही है। अब ये अपने डायग्राम में जो चीज मेन थी, कौन सा डायग्राम भाई, ये वाला डायग्राम, ये था ना रियल एस्टेट असेट और इसकी ये प्रॉपर्टी थी, तो ये प्रॉपर्टी की बात अपन कर रहे हैं, या ये वाला जो डायग्राम अपन पढ़ रहे थे इस डायग्राम में अगर आए तो अपन ये रियल एस्टेट असेट की बात कर रहे हैं। इस रियल एस्टेट की भी एक परिभाषा दी गई है अपने को, सो एज टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। आप बोलोगे मैम कंफ्यूजन क्यों होगा, रियल एस्टेट तो सबको पता होता है। यार बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मैनी अ टाइम्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रियल एस्टेट का हिस्सा मान लेते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, ये चीजें अलग होती है, हालांकि बिल्डिंग्स ही रियल एस्टेट में भी आती है।
So as to avoid this confusion for the purpose of real estate investment trust and infrastructure investment trust, क्योंकि ये दो अलग चीजें होती है, दो अलग collective investment vehicles हैं. Real estate investment trust real estate में पैसा लगाता है, infrastructure investment trust infrastructure में पैसा लगाता है. बट ऑब्वियसली हमको ये तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि रियल एस्टेट में आता क्या है. वो डेफिनेशन इसलिए यहाँ दी, और इस डेफिनेशन में कहा गया है आपको रियल एस्टेट का मतलब होता है या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैंड, एंड अलोंग विद दैट लैंड एनी परमानेंटली अटैच्ड इंप्रूवमेंट्स टू इट. जैसे कि प्लॉट पर बिल्डिंग बनाई गई, अभी बिल्डिंग परमानेंटली अटैच्ड होती है ना, शुरू में ही लेक्चर की बोली थी ना, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ. रियल एस्टेट में मूवेबल प्रॉपर्टीज आती है, मेरा टू व्हीलर या मेरा फोर व्हीलर या मेरा ट्रक या मेरी लॉरी रियल एस्टेट नहीं होता, ठीक है. बट इफ आई हैव अ 3 BHK फ्लैट और इफ आई हैव अ 5,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल स्पेस इन अ बिल्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज रियल एस्टेट. क्योंकि बिल्डिंग मूवेबल नहीं होता है. तो रियल एस्टेट में लैंड तो आ गई, उस लैंड से जो परमानेंटली अटैच्ड इंप्रूवमेंट्स होते हैं, भले लीज होल्ड हो चाहे फ्री होल्ड हो, ये सब रियल एस्टेट में आते हैं. बिल्डिंग्स, शेड्स, पार्किंग शेड्स बने होते हैं, गैरेजेस बने होते हैं, फेंसिंग लगाई जाती है आसपास कई बार बिल्डिंग के. अब फेंसिंग मतलब सिर्फ तारों की नहीं होती, तार की फेंसिंग, बाउंड्री वॉल्स होती है, बाउंड्री वॉल्स बनाई जाती है ना, फिक्स्चर्स हैं, फिटिंग्स हैं, वेयर हाउस हैं, कार पार्क्स हैं, ये सब, एंड एनी अदर एसेट दैट इज इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ रियल एस्टेट बट डज नॉट इंक्लूड एनी मॉर्गेज, ये सब रियल एस्टेट. इन सब को अपन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये जो आप नीचे वाला लास्ट पैराग्राफ पेज पर देख रहे हो ना, असिट्स फॉलिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ रियल एस्टेट. And this was very clearly notified by Ministry of Finance on 7th of October 2013 through a notification. Real estate में infrastructure नहीं आता है. Infrastructure real estate नहीं है, real estate infrastructure नहीं है. But you have an exception, यार. You have an exception to this. ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका exception है. मतलब क्या, फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर शैल बी कंसिडर्ड एज रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, ये सब चीजें आ जाती है. जहां रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स बोलते हैं, बिल्डिंग्स भी तो बोल देते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर. जो 7 अक्टूबर 2013 को नोटिफिकेशन आया था ना, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट को अलग अलग तो बताया गया था कि इंफ्रा अलग है, रियल इस्टेट अलग. बट ये जो दो पॉइंट आप देख रही हो ना यहाँ पर, ये वो दो एक्सेप्शन है बच्चों जो एक्चुअली आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट इन्हें रियल एस्टेट माना जाता है, इन्हें रियल एस्टेट में भी इंक्लूड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. फॉर द पर्पस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ओनली दे आर कॉल्ड एज रियल एस्टेट. होटेल्स, हॉस्पिटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर्स बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, सभागृह जिनको अपन हिंदी में कह सकते, सभी शहरों में होते हैं ऐसे कन्वेंशन सेंटर्स. कई बड़ी कंपनीज की तो एनुअल जनरल मीटिंग्स भी होती है कन्वेंशन सेंटर्स, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उस पर इतनी स्पेस ही नहीं होती, तो कन्वेंशन सेंटर्स में होती है मीटिंग, है ना. फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंपोजिट रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स, वेदर रेंट जनरेटिंग हो या इनकम जनरेटिंग, खुद का है किराए पे देंगे रेंट मिलेगा, या बेच देंगे तो इनकम मिलेगी. तो ऐसे कोई भी हॉस्टल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कन्वेंशन सेंटर्स हो, इन सबको भले ये इंफ्रा होते हैं बट हम इन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए रियल एस्टेट मानते हैं. समझ पा रहे हो इतना, ठीक है. एंड देन एनी अदर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंपोजिट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जैसे कि इंडस्ट्रियल पार्क्स, आई टोल्ड यू आईटी पार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये जो प्रेमाइसेस होते हैं, ये सब रियल एस्टेट में आते हैं. All these are included in real estate. Clear हो गया real estate property का मतलब. चलो दो तीन और definition है, इस पर भी आई जाते हैं अपन quickly. अगली definition real estate asset की है. Real estate asset is basically the property that is held by the real estate investment trust, जो freehold हो चाहे leasehold हो, directly करे या holding company या SPV के through.
मैंने खुद ट्रस्ट डायरेक्टली उसे होल्ड करा है, या बीच में एक और है स्पेशल पर्पस व्हीकल या होल्डिंग कंपनी उसके थ्रू ये, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होल्ड करा है वो रियल एस्टेट एसेट बन जाएगी। स्पॉन्सर अपन जानते हैं, या एक और टर्म है रीडेजिग्नेटेड, एक्चुअल स्पॉन्सर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिज्यूम कर ले, ठीक है। एनी पर्सन हु हैज अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का जो काम है वो स्पॉन्सर से लेकर वो खुद करने लगता है, इट्स लाइक रीडेजिग्नेटेड स्पॉन्सर। कल कैप्टन मैच में ये था, आज कैप्टन इसको बना दिया गया है, ये कैप्टन की सारी ड्यूटीज को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि आज के इस मैच के लिए कैप्टन को रेस्ट दे दिया, क्योंकि कल के मैच में कैप्टन इंजियोर हो गए, खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट हो जाता है इन अ सिमिलर मैनर। ये जो स्पॉन्सर है यहाँ पर द रीडेसिग्नेटेड स्पॉन्सर, ये वैसे। फिर रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है मैम? तो रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी बच्चों वो प्रॉपर्टी होती है विच हैज बीन लीज्ड और रेंटेड आउट एज पर एन अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फॉर द पर्पस, और जिससे रेंट मिल रहा है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने अपने 5,000 स्क्वायर फीट के उस कमर्शियल स्पेस को दैट आई होल्ड इन बीकेसी रेंट पर दे दिया, तो अब रेंट पर दे दिया है तो मेरे को उससे रेंट मिल रहा है, इट इज अ रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी फॉर मी, ठीक। ये डेफिनेशन स्पेशल पर्पस व्हीकल जो अभी यहां पर इस्तेमाल करा जा रहा था कि भाई रियल इस्टेट असेट्स में इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट ट्रस्ट डायरेक्टली कर सकता है, या होल्डिंग कंपनी के थ्रू या एसपीवी के थ्रू। एसपीवी क्या होता है? एसपीवी कोई भी कंपनी या एलएलपी हो सकता है। नहीं, नो, व्हाट अ कंपनी इज, कंपनी एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हो, एलएलपी एक्ट में एलएलपी कैसे बनते हैं आप जानते हो, ठीक। बट ये तीन शर्त जो एसपीवी को पूरी करनी पड़ती है, एसपीवी बनने के लिए, एसपीवी को पूरी करनी है एसपीवी बनने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन। पहली शर्त ये देखो आपके सामने आ रही है, वेयर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इट्स होल्डिंग कंपनीज होल्डिंग और प्रपोजेस टू होल्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल और इंटरेस्ट देयर, ठीक है। एसपीवी वो है जिसमें रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या उसकी होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रही है, या इट इज प्रपोजिंग टू होल्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स इक्विटी, नॉट लेस देन 50, यानी 50 है उससे ज्यादा, ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल खुद वो होगा विच होल्ड नॉट लेस देन 80% ऑफ द एसेट्स डायरेक्टली डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज एंड डज नॉट इन्वेस्ट इन एनी अदर स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी पहली कंडीशन या पहली शर्त तो ये कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खुद या होल्डिंग कंपनी के माध्यम से इस एसपीवी की 50% से ज्यादा की शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है। दूसरी शर्त ये कि ये एसपीवी वो होगा विच होल्ड एटलीस्ट 80% ऑफ इट्स ओन असेट्स डायरेक्टली, खुद ही होल्ड कर रहा है अपनी असेट्स को वो, और कोई और होल्ड नहीं कर रहा है उसे, और जो दूसरे किसी एसपीवी में पैसा नहीं। और तीसरी शर्त विच इज नॉट एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी देन होल्डिंग एंड डेवलपिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड एनी अदर एक्टिविटी दैट इज इंसिडेंटल और रिलेटेड टू इट, जैसे उसे होल्ड करना है उसका डेवलप। तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल म्यूचुअल फंड वाला व्हीकल जैसा नहीं है, यहाँ डेफिनेशन थोड़ा अलग कि भाई मैंने एक अलग कंपनी एलएलपी बना दी रीट ने, और ये कंपनी या एलएलपी वो है जिसकी 50% या उससे ज्यादा की कैपिटल खुद रीट या उसकी जो होल्डिंग कंपनी वो होल्ड कर रही है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एटलीस्ट अपनी जो 80% असेट से खुद ही होल्ड कर रहा है और किसी दूसरे एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, और इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेम के अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करता, होल्डिंग एंड डेवलपिंग द प्रॉपर्टी, होल्डिंग एंड डेवलपिंग, होल्ड करेगा डेवलप करेगा और ट्रांसफर करेगा, और होल्ड और डेवलप भी सिर्फ उसी को करेगा जो इसके पास आई रीट के थ्रू, रीट इसको वो प्रॉपर्टी दैट इज स्पेशल। एक स्पॉन्सर का डेफिनेशन बच्चों बता चुकी थी मैं आपको स्टार्टिंग में, या फिर से रिपीट हो गया, स्पॉन्सर का मतलब होता है एनी पर्सन हु सेट्स अप द रीट एंड इज डेजिग्नेटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन सेबी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रीट, यही करता है स्पॉन्सर, अप्लाई करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपन पढ़ेंगे। And then you have the last definition, transferable development right. ऐसे development rights that are issued by the competent authority under any relevant law, that is for the timing in force,
in lieu of the area that's relinquished or surrendered by the owner or developer or by way of declared incentive. तो किसी प्रॉपर्टी को बनाना है और बना करके किसी और को दे दे. लाइक वी आर कंस्ट्रक्टिंग सम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड वी आर हैंडिंग इट ओवर टू अनदर पर्सन जो उसका एक्चुअल मालिक है. हम सिर्फ यहाँ पर उसको कंस्ट्रक्ट कर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट. ठीक है क्या भाई, समझ गए सब लोग बहुत अच्छे से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर कैसे. एक ट्रस्ट बीच में होता है, इस ट्रस्ट में होता है एक ट्रस्टी जो यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पर प्रॉपर्टीज होल्ड करता है. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खुद से या अपनी होल्डिंग कंपनी एसपीवी की सहायता से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उस इन्वेस्टमेंट को पहले तो प्लान करता है आपका मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है. कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमेशा याद रखिए. ये जो रियल एस्टेट है, इस रियल एस्टेट का कंप्लीटेड कमर्शियल रियल एस्टेट होना बहुत जरूरी है. मिलने वाली जो इनकम होती है उस इनकम को यूनिट होल्डर्स के साथ बांटा जाता है, क्योंकि वो यूनिट होल्डर्स इंडिविजुअली सारा पैसा खुद नहीं लगा पा रहे हैं, तो इस कारण से यूनिट होल्डर्स के साथ मिल करके इस इन्वेस्टमेंट को रीच प्लान कर. दैट्स द एंटायर स्टोरी अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. बट देन वी हैव फ्यू मोर टेक्निकल पॉइंट्स टू गो इन टर्म्स ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्सर, मैनेजर एंड ट्रस्टी एंड देन द लिस्टिंग, डी लिस्टिंग एंड अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट. For those technical parts, I'm going to see you in the next lecture. अगले lecture को सुनने आप जाएं, उससे पहले इसे बहुत अच्छे से revise आपको कर लेना है, आपको पता है. See you in that next lecture. Bye bye and take care.